आना है जाना है, उसके साथ कलकैया मिला के घूम रहे हैं, बोलने में लाज लगता है कि राजू तेजस्वी मेरा नेता है। काम नजर नहीं आता है तेजस्वी यादव चिराग पासवान। ट्विटर लगभग कहां से ज्ञान का आतंक मचा रहे हैं मुझे नहीं पता चलता। मैंने देखा कि लोजपा प्रमुख चिराग पासवान का एक बयान ट्वीट कि 2015 के बाद उनको पता नहीं चल रहा है कि हम लोग काम की चर्चा क्या कर रहे हैं। चिराग पासवान जी झोपड़ी में चिराग जलाने की बात करते थे आपके पिता, आपको पता है सोना का चम्मच लेके दिल्ली में रहे हैं। मैं आपके लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में, क्योंकि जो क्षेत्र नहीं घूमता उसको ज्ञान की कमी रहती है, तो गाड़ी से आना है, हेलीकॉप्टर से आना है, लैंड करना है, आना है और जाना है, तो केवल जमुई लोकसभा क्षेत्र में अगर जानकारी नहीं है चिराग पासवान जी कि जनता ने आपको रिजेक्ट कर लिया वहां, अभी जो पिछला जो विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया में, तो केवल जमुई लोकसभा क्षेत्र में आज 900 किलोमीटर बिजली के तार बदले गए, 552.68 कई तो उसके आंकड़े हमारे पास उपलब्ध है, ये सारे दस्तावेज हैं। आज पावर डिमांड कितना है 1700, आज जिसके साथ कलकैया मिला के घूम रहे हैं, बोलने में लाज लगता है कि राजू तेजस्वी मेरा नेता है, हालांकि आपके पास कोई विकल्प दूसरा नहीं है। मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं, घर घर बिजली पहुंचा दिया, अगर चिराग पासवान जी लालटेन तो बुझ ही गया, अगर उसमें चिराग आप जलाने की तैयारी कर रहे थे तो चिराग की तो भूमिका ही खत्म हो गई। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं, बिहार की जनता को यह तय करना है, तृतीय चरण का जहां चुनाव हो रहा है वहां 15 जिले में 1990 से 2005 तक 2035 लोगों का फिरौती के लिए अपहरण हुआ था। 1990 से 2005 तक 2035 लोगों का फिरौती के लिए अपहरण हुआ था। थारू समुदाय के लोगों का नरसंहार और उनके जो सहयोगी लोग हैं, आप यह बताइए कि फिरौती के लिए जो अपहरण हुआ, जो नरसंहार हुआ, आज माननीय नीतीश कुमार जो एनडीए के शासनकाल में, किसी की हिमाकत है? कानून अपना काम करता है, नरसंहार अपराध फिरौती के लिए अपहरण जैसा महत्वपूर्ण जो एक घटनाक्रम था आज किसी का अवकाश नहीं। और हम इसकी चर्चा इसलिए करना चाहते हैं, काम नजर नहीं आता है तेजस्वी यादव और चिराग पासवान। अरे जिन क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है वहां पर 66 मेडिकल कॉलेज, 13 इंजीनियरिंग कॉलेज, 8 पॉलिटेक्निक, एएनएम स्कूल 5, जीएनएम 7, नर्सिंग 2, महिला आईटीआई 10, कुल 24 आईटीआई, 66 संस्थानों का निर्माण एनडीए ने अपने शासन काल में 7 निश्चय पार्ट 1 में किया है। हम लोग को समझ में आता है काम क्या हुआ है। अरे कहां कौन कहां के बच्चे पढ़ रहे हैं, ये बच्चे कौन है पढ़ने वाले? और आप तो संपत्ति क्रेडिट कार्ड बनाते हैं। हम लोगों ने जहां चुनाव हो रहा है 42,800 स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ दिया है।